हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अभी मैं मुंबई के साउंड मार्केट आया हुआ हूँ। दोस्तों, ये जो साउंड मार्केट है, मुंबई का सबसे बड़ा साउंड मार्केट है और ये ग्रैंड रोड ईस्ट जो लेमिंगटन रोड है वहाँ पे है। अगर आप कभी भी मुंबई साउंड मार्केट आना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोकल ट्रेन से सफ़र करके आ रहे हो तब आपको ग्रैंड रोड आना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो मुंबई की लाइन चलती है लोकल ट्रेन की, वो ग्रैंड रोड ईस्ट पे है। ये जो ग्रैंड रोड ईस्ट आप किसी को बोलोगे, और लेमिंगटन रोड साउंड मार्केट है सारा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ से कभी JTS का माइक लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये मुंबई का सबसे बड़ा साउंड मार्केट है, जैसे दिल्ली में है भागीरथ पैलेस में, जैसे ये मुंबई का सबसे बड़ा मार्केट है। अभी आप सभी को पता है जैसे मैं मुंबई आया हूँ, तो ये मुंबई का सबसे बड़ा साउंड मार्केट है। यहाँ पे आपको दुनिया भर की कंपनी आपको साउंड के अंदर देखने को मिल जाएगी। आपको जिस कंपनी का माइक्रोफोन चाहिए, वो चाहे AKG का है, चाहे AUSA का है, चाहे स्टूडियो मास्टर का है, चाहे NX-J। दोस्तों, अभी मैंने एक DJ कंट्रोलर के बारे में पता किया था, वो जो DJ कंट्रोलर है वो उसका न्यूमार का जो आता है DJ कंट्रोलर है, प्लैटिनम FX4, वो 22,000 का। अभी अमेजोन पे मैंने चेक किया, वो 25,000 का था। तो कुल मिला के सस्ता भी, ऐसा महंगा भी नहीं कह सकते। दुनिया भर के आपको क्रॉस ओवर सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मैंने एक JTS का माइक लिया है, आप देख सकते हो, जैसे मैंने अभी एक JTS का माइक लिया है, ये टिक के 600 है। सभी ने मुझे पूछा था कि वोकल के लिए और इंस्ट्रूमेंटल के माइक, तो ये JTS का सबसे अच्छा माइक है और बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन है। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, एक मैंने आज लिया है और ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, 1800 रुपये का है। ऑनलाइन भी लगभग इतनी रेट है। यहाँ पर सब साउंड के मार्केट, साउंड का मार्केट है। चाहे आपको स्पीकर के पर्दे चाहिए, चाहे आपको कोयल चाहिए, अगर आप मुंबई कभी घूमने आओ तो यहाँ आके आप साउंड मार्केट में पता कर सकते हो। मैं नीचे एड्रेस और डिटेल आपको वीडियो के बाद में अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे सब कुछ दुकान है, साउंड की है सारी, आप देख सकते हो। जैसे कोई भी कंपनी, चाहे न्यूमार्क है, चाहे पायोनियर है, चाहे AUSA है, चाहे स्टूडियो मास्टर है, कुछ भी, ऑल ऑफ आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको मुंबई में नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको बता देता हूँ और डिटेल से, मैं और अभी आपको दुकानें बता देता हूँ। आप वीडियो के अंदर दुकानों का नाम भी देख लीजिए, उस पर एड्रेस भी लिखा है, तो आप आके आराम से घूम सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे सारी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एज अ साउंड के लिए यहाँ पे आते हो तो आपको ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप मुंबई ऐसे ही, अगर मुंबई के आसपास कोई शहर में रहते हो तब तो बहुत अच्छा है। अगर जो लोग राजस्थान से या UP साइड से या महाराष्ट्र से आते हैं तो वो यहाँ के कोई भी चीज़ विद बिल के साथ परचेज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी सामान परचेज करो तो बिल के साथ में ज़रूर करो, बिना बिल के सामान कभी परचेज मत करो। सारा सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये ऊपर एक सामने एक ब्रिज है, ये इसकी पहचान है साउंड मार्केट की। आप जैसे ही आओगे ग्रैंड रोड ईस्ट पर, लेमिंगटन रोड पर, ये आप सामने एक ब्रिज देख सकते हो। ये ब्रिज है, ये पहचान है ब्रिज। लेफ्ट साइड में ब्रिज है और राइट साइड में सारी साउंड की दुकानें हैं, आप देख सकते हो। जैसे ये सारी साउंड की दुकानें हैं। आपको यहाँ पे दुनिया भर की कंपनीज देखने को मिल जाएगी। आपको ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कौन से गांव, कौन से शहर से मेरा वीडियो देख रहे हो, आपकी साउंड सर्विस का क्या नाम है, उसका भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यहाँ पे आपको पोर्टेबल स्पीकर, स्पीकर के कोयल, पर्दे, स्पाइडर, सब कुछ, सारे एम्पलीफायर, मतलब ऐसी ऐसी कंपनियाँ मैंने अभी यहाँ पर देखी है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसी कंपनी आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको ओवरऑल सारी कंपनी देखने को मिल जाएगी साउंड के अंदर। आप कोई भी कंपनी का माल यहाँ से खरीद सकते हो, जो कंपनी आपने नाम भी नहीं सुन रखा। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ यहाँ पे मैंने देखी थी अभी, और भी जैसे QSC है, क्यूब है, Beta 4, और भी सारे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं अभी यहाँ पे मुंबई, पिछले 5 दिन से मुंबई हूँ मैं, बट मेरे को आज समय मिला तो मैंने सोचा आपके लिए लाइव कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको साउंड का सब कुछ मिल जाएगा, जैसे आप देख सकते हो, शोर का, बेरिंगर का, यामा का MG10XU, आप देख सकते हो यहाँ पे मिक्सर लगा हुआ है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। दोस्तों, स्पीकर के पर्दे हैं, स्पीकर है, ये लाइनर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। कहना के मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। ये इस यहाँ का चौराहा है, इसको आप ढंग से देख लीजिए कभी भी आओ, तो सामने दुकानों का नाम ही यहाँ के पास वाला एरिया, जो साउंड का एरिया सारा सामने की तरफ की दुकान है। कहने का मतलब है आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। मैंने जो अभी ये, मैं अपने पापा के साथ में हूँ और मैंने ये माइक्रोफोन यहाँ से परचेज़ किया 1800 रुपये में JTS का। दोस्तों, ज़्यादा मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं है,
ज़्यादा मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं है क्योंकि एक्चुअल में मेरा अभी 3 बजे का ट्रेन है वापस यहाँ से रिटर्न बीकानेर राजस्थान का, तो ज़्यादा समय भी नहीं है। मेरे को एक ड्यूमार का FX प्लेटिनम FX 4 लेना था 22,000 का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बट मैं ले नहीं पाया क्योंकि एक्चुअल में मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सामान है, तो मैं लिया नहीं। मैं सोच रहा हूँ अमेजोन से उसको परचेज कर लूँगा, ज़्यादा रेट का डिफरेंस नहीं है, 22-23 यहाँ पर 25 ऑनलाइन मिल जाएगा। और वैसे कहने का मतलब है कि अगर आप मुंबई आओ तो सबसे बड़ा साउंड मार्केट है ये। पर दोस्तों जो मुझे एक कमी लगी एज ए दिल्ली के कंपेयर में, अगर मैं दिल्ली के मार्केट की बात करूँ तो दोस्तों वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ब्रांड देखने को मिलेगा। हाँ, ये अगर मैं बहुत अच्छी बात कह सकता हूँ, अगर आप मुंबई आओ तो मुंबई में आपको ब्रांड दुनिया भर के देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे साउंड के ब्रांड आपको देखने को मिलेंगे जो आपने नाम कभी सुन भी नहीं रखा, दुनिया भर के साउंड के प्रोडक्ट की कंपनियों का नाम है जो आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। और दिल्ली जाओगे तो दिल्ली तो आपको पता है, दिल्ली में तो ओवरऑल सब कुछ है। दिल्ली तो अपने मैं जहाँ भी करने रहता हूँ वहाँ से एक रास्ता है, तो मैं जाता रहता हूँ, तो मैं वहाँ का भी आपको लाइव कर दूँगा बहुत जल्दी। आज मैंने सोचा मुंबई का लाइव कर देता, तो मैंने मुंबई का लाइव कर दिया। दोस्तों अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, कुछ पूछना चाहते हो आप, तो मुझे पूछ सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा साउंड का, चाहे स्टूडियो मास्टर है, चाहे आउजा है, चाहे बैरिंगर है, चाहे QSC है, चाहे क्यूब है, चाहे बीटा 4 है, चाहे NX Audio है, चाहे British Audio। हाँ, एक मैंने नया नाम यहाँ के आके सुना कंपनी का, British Audio, उसके भी ब्रांड आपको एम्पलीफायर है, क्रॉसओवर है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हाँ, क्रॉसओवर है NX Audio का, मिल जाएगा NX Audio का, क्रॉसओवर मिल जाएगा, बैरिंगर FX 2000 मिल जाएगा। आप आओ, सभी दोस्त लोग मुंबई आओ, मुंबई का साउंड मार्केट मैंने आपको बता दिया, ये लेमिंगटन रोड पे है, लेमिंगटन रोड ग्रैंड रोड ईस्ट पे। आप किसी को भी अगर बोलोगे ग्रैंड रोड ईस्ट पे जाना है तो लोकल ट्रेन चलती है, वैसे लोकल ट्रेन में ग्रैंड रोड ईस्ट उतर जाइए आप, यहाँ पे मुंबई की जो लोकल ट्रेन चलती है वो ईस्ट और वेस्ट की है, तो ग्रैंड रोड आके आप ईस्ट में उतर जाइए, ईस्ट में आने के बाद में लेमिंगटन रोड सारा साउंड का मार्केट है। जैसे मैंने आपको सभी दुकानों का दाम और दिखा दिया, वहाँ के आप आराम से देख सकते हो, पता कर सकते हो। हाँ, यामा का MG P4 भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ दोस्तों आप पूछना चाहते हो, फिर मैं लाइव को एंड करूंगा बहुत जल्दी। दोस्तों जो गर्मी बहुत है यहाँ पे अभी, राहुल सोनी यामा 16 चैनल प्राइस। देखो मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, अगर आप कोई ब्रांड में जाते हो ना तो प्राइस का जैसा प्राइस आपके शहर में मिलेगा मोस्टली वहाँ मिलेगा। अगर आपको कुछ नया देखना होता है आप मुझे पूछिए प्राइस। दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, JTS का जो मैंने माइक्रोफोन लिया अभी, वो मैंने 4 दुकान पता किया, और 4 दुकान पता करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो JTS का माइक्रोफोन है वो माइक्रोफोन ऑनलाइन भी 1800 रुपये का, टिकट 600, दिल्ली में भी 1800 रुपये का है, हमारे बीकानेर में भी 1800 रुपये का है। अगर आपके शहर में कितने का आप बताइए मुझे कमेंट करके, और यहाँ पे भी 1800 का, तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं। हाँ, आपको 1500 का डिफरेंस ज़रूर मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला आपको, 1500 का डिफरेंस ज़रूर मिल जाएगा उसके अंदर, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। और बात वही, अगर आप इतनी दूर आकर परचेज करोगे उससे बढ़िया आप अपने शहर में परचेज कर लो, सबसे बड़ी बात। अगर वहाँ पॉसिबल नहीं है तब आप आइए, अगर आपको कुछ नया देखना हो, कुछ नया सीखना हो, कुछ नई जानकारी लेनी हो, तब आप मुंबई ज़रूर आए और साउंड का मार्केट ज़रूर आए दोस्तों। तो कहने का मतलब है मोस्टली सिमिलर रेट है जो यही लगने वाली है यहाँ पे आपने। और पूछे दोस्तों, यहाँ पे क्राउड भी मुझे कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला अभी, दिल्ली के कंपेयर में मुझे क्राउड थोड़ा कम मिला यहाँ पे देखने के लिए। दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है साउंड मार्केट में, पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती दिल्ली के अंदर, तो पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती साउंड मार्केट में, रियली बात तो ये है। सब दुकानों में काफ़ी भीड़ रहती है, और यहाँ पर मुझे ठीक मिला क्राउड, ऐसी कोई बात नहीं, बट हाँ दिल्ली के कंपेयर में कम मिला, ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि मुझे दिल्ली के कंपेयर में यहाँ पर क्राउड है जो कम देखने को मिला। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको कुछ और पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, वैसे मैं सारी डिटेल इस मार्केट की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, साउंडक्राफ्ट मिक्सर का सिग्नेचर 22 जो मिक्सर है उसकी रेट यहाँ पे 45 है, अभी मैंने पता किया यहाँ पे 45 है, और 45 प्लस 45,500 बीकानेर के अंदर है, 46 के आसपास है, वही 45 में दे देंगे, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कहने का मतलब है इतना अगर भारी सामान लूँ मैं तो मैं फिर बीकानेर से ले लूँगा।
और कुछ पूछ लीजिए, फिर मैं लाइव को एंड करूँगा। तो दोस्तों आपको मेरा आज वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी, धन्यवाद।